शीट नंबर 70, शीट नंबर 70 के अंदर पहला क्वेश्चन है, वायर इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड बी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ये देखो, एक ना टेबल पे वायर पड़ी हुई है, ये रही टेढ़ी मेढ़ी, और इसमें मान लो करंट जा रहा है आई, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे बी वेक्टर ऐसे है, अपवर्ड्स है। तो क्वेश्चन ये है, आप थोड़ी देर में देखेंगे जब करंट कैरिंग वायर टेढ़ी मेढ़ी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है तो वो सर्कल बना लेगी, टाइट हो जाएगी, एकदम एक्सपैंड हो जाएगी। अब वो कैसे, इमेजिन करो ये एक एलिमेंट है जिसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो इसमें फोर्स कैसी लगेगी बताओ, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है तो करंट बी कैसे है ऊपर, करंट कैसे जा रहा है बोर्ड के इनसाइड, ये इनसाइड है तो बोर्ड के इनसाइड है, तो फोर्स कहां लगेगी, बाहर। तो फोर्स यहां पर कैसे लगेगी, बाहर फोर्स आ गई। फिर जैसे ये एलिमेंट ले लो, करंट इसमें बोर्ड के कहां आ रहा है, बाहर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना ऐसे, तो बी कैसे है ऐसे, करंट इसमें कैसे आ रहा है बाहर, फोर्स कैसे लगेगी आउटसाइड, आप चेक कर लो आउटसाइड ये फोर्स है, यहां पे चेक कर लो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट अगर बी ऐसे है, करंट अगर ऐसे जा रहा है तो फोर्स कैसे लगेगी, पीछे की तरफ लगेगी, और ऐसे इसमें कैसे लगेगी, बाहर की तरफ। तो पूरी बाउंड्री पे बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगती जा रही है, तो ये एकदम टाइट हो जाएगी, खुल जाएगी और ये सर्कल बना लेगी। पहला पॉइंट क्लियर, सर्कल क्यों बनेगा, और मान लो थोड़ी देर में ये सर्कल बन जाती है ऑफ रेडियस आर, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रही है, हर तरफ से फोर्स लग रही है, तो सर्कल, क्योंकि ये तो फोर्स लगती जाएगी मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ, तो ये इसको और खोल खोल के खोल बिल्कुल टाइट कर देगी, तो इस रिंग में ये रिंग टाइट हो जाएगी, इसमें टेंशन आ जाएगी। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन टी, क्योंकि एक बार तो रुकी जाएगी किसी टाइम पे, अब ये थोड़ा कि टूटी जाएगी, रुक जाएगी, रुकेगी, इक्विलिब्रियम आ गया, सर्कल में आने के बाद टेंशन बतानी है इसमें क्या होगी। ठीक, पॉइंट समझ में आया, बी बी डाउनवर्ड्स है, बी डाउनवर्ड लेना है तो फिर करंट को ऐसे ले लेना, मतलब इस तरीके से ओरिएंटेशन है कि ऐसा कुछ बनेगा इसमें। ठीक है यहां तक, तो कोई बात नहीं, वो देखने वाला उल्टा देख रहा होगा, इसे फ्रेम चेंज कर लो, मतलब लॉजिक कुछ ऐसा ही है, हमें चाहिए नहीं वैसे, इतनी कोई पर्टिकुलर नहीं है, बस बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है कि आप इसमें जैसे ये एक टॉप व्यू है इसका सर्कल का, टॉप से देख रहे हो तो सर्कल बन चुकी है, टेंशन आ चुकी है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया करते थे ऐसे ही, आप इसका स्मॉल एलिमेंट लेंगे डीएल, और टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, टेंशन कैसे एक्ट करेगी, लाइक अ टेंजेंट, मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैट्स में टेंशन टेंजेंट की तरह काम करती है ऐसे केस में, और ये क्वेश्चन भी ऐसा किया हुआ है वैसे हमने, और ये एलिमेंट कितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, अल्फा, अल्फा का मतलब आधा आधा एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा बाय टू एंड अल्फा बाय टू, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, अगर ये अल्फा बाय टू है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा बाय टू, ये 90 माइनस अल्फा बाय टू, तो ये भी कितना, अल्फा बाय टू। तो सिर्फ इतना डायग्राम मैंने यहां बना दिया, वैसे तो पूरी रिंग है पर मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया ऐसा, क्लियर है यहां तक, तो आप चेक कर सकते हो टी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, टी कॉस अल्फा बाय टू, टी साइन अल्फा बाय टू, ऐसे यहां पर कॉस एंड साइन, कॉस कॉस कॉम्पोनेंट आपस में क्या करेगा, कैंसल, ये दोनों मिलकर टू टी साइन अल्फा कहां एक्ट करेंगे, टूवर्ड्स सेंटर, ये रहा, ये टी साइन अल्फा बाय टू है, ये भी क्या है, टी साइन अल्फा बाय टू है, ये क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है तो वेक्टर काफी क्लोज होंगे, तो टू टी साइन अल्फा बाय टू नीचे, और इस एलिमेंट में बी अगर मान लो इनसाइड है, करंट ऐसे है तो फोर्स कैसे लग रही है, ऊपर, कितनी लग रही है, बी आई इंटू डीएल, तो एक टाइम आएगा जब ऊपर और नीचे की फोर्स इक्वल हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम आ गया, तो टेंशन निकालनी है, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, बी आई डी एल इज इक्वल टू टू टी साइन अल्फा बाय टू, एंगल क्योंकि स्मॉल है, साइन अल्फा बाय टू कैन बी रिटन एज अल्फा बाय टू, टू से टू क्या हो गया, कैंसल, तो टी इंटू अल्फा इज बी आई डी एल, तो यहां से टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, टेंशन की वैल्यू आएगी बी आई डी एल अपॉन अल्फा। ठीक, और ये देखो इस सेक्टर में टोटल एंगल कितने हैं, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो रेडियस इज इक्वल टू डी एल बाय अल्फा, तो चेक करो डीएल बाई अल्फा की जगह क्या पुट कर लिया, आर, इसको ना बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालो, और ये फॉर्मूला टू भी रिमेंबर कर लो,
अगर आज के बाद रिंग आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में टेंशन प्रोड्यूस की जाएगी, तो इतना पार्ट, इतनी लंबी कहानी नहीं चाहिए। मेडिकल वाले तो पक्का ही फॉर्मूला नोट करो, तो सीधा टेंशन क्या आएगी, BIR, भूलना नहीं है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, तो इतना प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस BIR। हाँ हाँ, तीन चार बार कर लिया ऐसे तो हमने, ये रिपीट है क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया, सरफेस टेंशन में भी किया, सर्कुलर मोशन में भी किया, चौथी बार रिपीट है ये। नहीं, जो तो खुद कर सकते हैं वहां पे, उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। पर अब नहीं, अगर मान लो बस चलता तो क्वेश्चन थोड़ा छोड़ना है, BIR तो याद कर ही लोगे। अब क्योंकि इसमें पूरी रिंग की लेंथ एल है, एल क्या है, 2πr, तो आर किसके इक्वल है, एल डिवाइडेड बाय 2π, तो आर की जगह एल बाय 2π। पॉइंट समझ में आ गया यहां तक, तो फॉर्मूला भी याद रहेगा यहां तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको यह गिवन है कि सपोज आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, ये वायर है, और इसके सामने एक और वायर है, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है। हमने अपनी क्लास में फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला, लेकिन हमने वायर तो थिन वायर ली, पतली पतली, इसने क्या किया, एक वायर तो थिन ली और एक थिक ली, मोटी वायर है, और वो कह रहा है इनमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो। अब देखो, एक पतली और एक मोटी है, अब ये क्वेश्चन डेरिवेशन तो चलेगी नहीं, तो एक काम करना पड़ेगा, हमें इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, और क्वेश्चन में गिवन है इस वायर के लिए लैम्डा गिवन है, लैम्डा का मतलब करंट पर यूनिट लेंथ, इसमें टोटल करंट कितना है I2, और टोटल थिकनेस कितनी है B, तो I2 by B, क्लियर यहां तक, तो I2 divided by B, कोई डाउट इसमें, क्लियर यहां तक। तो जहां जहां मुझे लैम्डा चाहिए होगा मैं I2 by B पुट करूंगा, गिवन है, और फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी। अब क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा, ये थिन वायर की तरह काम करेगी, तो इसका एलिमेंट की दूरी कितनी है यहां से x, और थिकनेस कितनी है स्मॉल dx, तो इसमें और इसमें स्मॉल फोर्स निकलेगी, फिर इंटीग्रेशन से टोटल फोर्स आएगी। इसमें और इसमें स्मॉल फोर्स df क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4π 2 टाइम्स I1 into, अब इसका करंट निकालना है तो लैम्डा इंटू डीएक्स कर दो, क्योंकि लैम्डा का मतलब क्या है यहां पर, करंट पर यूनिट लेंथ, और हमारी यहां पर छोटी सी लेंथ कितनी है डीएक्स, तो डीएक्स में करंट कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डीएक्स। ये स्टेप क्लियर है, तो स्मॉल फोर्स आ गई, और दूरी कितनी है इसकी और इसकी, एक्स, डिस्टेंस इज एक्स, तो स्मॉल फोर्स आ गई, और मैंने क्योंकि थोड़ी देर पहले कहा था कि लैम्डा को क्या पुट करेंगे, I2 by B, लैम्डा की जगह रिप्लेस करो I2 by B, स्मॉल फोर्स आ गई, अब इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या लगेंगी, इसमें पहला एलिमेंट कितनी दूरी पे है a, और आखिरी एलिमेंट कितनी दूरी पे है a+b, तो लिमिट्स क्या लगेंगी a से लेके a+b। ये स्टेप क्लियर है यहां तक, तो मेडिकल वालों के लिए 1x dx की इंटीग्रेशन a से लेके a+b, नेचुरल लॉग ऑफ क्या होती है x, तो लॉग ऑफ x, तो एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, तो ऐसे करते हैं तो ये इसका आंसर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा जो है लेवल में थोड़ा चेंज आएगा, बट हाँ, इस टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन है जो नीट और मेंस में इजिली पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट इसमें, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन। पूछने का तरीका देखो, आम बंदा सोचे पता नहीं क्या पूछ लिया। तो मेडिकल वालों के लिए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट का मतलब, नॉन मेडिकल वाले तो करते रहते हैं, तो वो पॉइंट्स ढूंढो
जहां पर एक्स, और या आप सिंपली ऐसे समझो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है आपको कहां पर, जहां पर नेट बी क्या हो जाए जीरो। तो आपको ऑप्शन में दिखेगा एक्स और वाई के बीच में चार ऑप्शन मिलेंगी आपको। तो एक काम करते हैं, करंट इनफाइनाइट वायर है, एक में राइट एक में ऊपर, मान लो एक पॉइंट ये रहा एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स है और ये वाई है, मुझे बताओ कि इसमें करंट राइट है तो बी बाहर है, इसमें करंट ऐसे है तो बी इनसाइड है, तो इनसाइड का बी और इसका बी आउटसाइड है, अगर उनका वैल्यू इक्वल हो जाए तो नेट भी क्या जाएगा जीरो, और हम भी यही चाहते हैं नेट भी जीरो। तो बताओ इनफाइनाइट वायर आई टू एक्स डिस्टेंस पे बी क्या लगाएगा, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई टू बाई एक्स, और आई वन वाली वायर वाई डिस्टेंस पे बी क्या लगाएगी, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन डिवाइडेड बाय वाई, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया इक्वल, अगर इक्वल होगा दोनों का मैग्नीट्यूड तो नेट भी क्या आएगा जीरो। इक्वेट करोगे एक्स और वाई का रिलेशन आ गया, ऑप्शन मार्क कर लेना एक्स और वाई का, बट पूछने का तरीका देखा ठीक। जैसे सपोज तीन वायर्स हैं 30, 10 और 20 एम्पियर, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो, मैग्नेटिक फोर्स ऑन 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर वाई, ये रही इसका 25 सेंटीमीटर लेंथ ले लेना, इस पे नेट फोर्स क्या लगेगी, कौन लगाएगा, एक ये वायर एक ये वायर, ये वायर्स में करंट ऑपोजिट है तो ये इसे क्या करेगी रिपेल, और इसमें भी ऑपोजिट है तो ये वायर इसे क्या करेगी रिपेल, तो बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस। तो पहले काम करते हैं, हम फोर्स निकालते हैं 30 और 10 एम्पियर के हिसाब से, ये देखो, तो इसने इसे रिपेल किया, फोर्स लगाई F1, और इसकी कितनी लेंथ लेनी है 25 सेंटीमीटर, तो मैं फॉर्मूला किसका लगाने वाला हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यूनिट लेंथ में लेंथ कितनी लेनी है 25 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू करंट कितने 30 इंटू 10, और इनके बीच में डिस्टेंस कितने 3 सेंटीमीटर, ये लो पॉइंट समझ में आया, तो फोर्स अपॉन 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू आई वन आई टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितने 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके F1 कैन बी कैलकुलेटेड, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 30 इंटू 10 बाय 3 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2, तो F1 की वैल्यू क्लियर है, यहां पर मैंने एक ही स्टेप में कर दिया ना, मैंने क्या किया फोर्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ गई, ऐसी इन दोनों की फोर्स पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आ गई, फिर बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस कर दिया। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे आप नेट फोर्स की वैल्यू को निकाल लेंगे, कोई डाउट इसमें ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, पी क्यू आर लेंथ है और बेंट ऑफ 45 डिग्री है, तो मैं चाहता हूं कि अब मेरे ख्याल से आप ही को एक बार इसको देख के आना चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम हमने करने हैं, दैट इज शीट नंबर 70, और एक और शीट दी है मैंने 71, एक शीट है 71 ये वाली शीट है राइट, इस शीट को, ये जो शीट है HCB की शीट है, वैसे तो राइटिंग अब काम चलाना पड़ेगा, जैसी भी है समझ में कुछ कुछ तो आई रही है, मैं ये चाहता हूं कि आप प्लीज इन दोनों शीट्स को एक बार गो थ्रू करके आओ ठीक, जो नहीं समझ में आएगा वो मैं पूछूंगा, नहीं तो इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा तो कोर्स आगे भी कैसे चलेगा ठीक है। तो मैं चाहता हूं आप खुद एक बार ट्राई करके आओ और फिर डिस्कशन करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है।